दोस्तों CTET, UPTET या फिर STATET, किसी की भी तैयारी के लिए आपको साइकोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है। और साइकोलॉजी का अगला चैप्टर जो है समाजीकरण की प्रक्रिया, उसे हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4। इससे पहले के जो 3 चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन और आंसर मैंने आपसे पूछे, आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते हैं कि एक बालक की विकास से सिद्धांतों की समझ, एक बालक की विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है? छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करने में, छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, या फिर यह समझने के लिए कि छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए या सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। कोई एक बालक है, उसकी विकास के सिद्धांतों की जो समझ है वो एक टीचर की किस तरीके से हेल्प करेगी, आपको बताना है इसका आंसर। तो जैसे जैसे जो छात्र होते हैं उनके बारे में टीचर मैक्सिमम चीज़ें जान जाता है उन्हें पढ़ाते हुए, तो जब कोई छात्र है या बहुत सारे जो छात्र हैं उनमें जब विकास होता है या उनमें जब परिवर्तन आते हैं, तो जो वो विकास है वो एक समय के बाद जो बालक के व्यवहार है उसमें झलकने लगता है, या फिर यूं कहिए कि उसके बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसमें दिखने लगता है कि इसमें विकास हो रहा है। तो ये चीज़ें क्या बताती हैं कि बालक एक विशेष बदलाव से कैसे और क्यों गुजरता है और इस बदलाव के उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो एक टीचर को यह समझ में आ जाता है कि आखिर में अब उस बच्चे को आगे क्या पढ़ाना है। जैसे बोलते हैं ना कि पहले इजी फिर टफ पढ़ाते हैं, तो वो टीचर ऐसे ही समझ पाते हैं कि बच्चे के अंदर विकास हो रहा है तो सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। ऑप्शन नंबर 4 सही है क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिक नियमों का पालन, समाज में समायोजन करना, सामाजिक नियमों को तोड़ना या सामाजिक विभिन्नता को समझना। सामाजिकरण का तात्पर्य क्या होता है? अगर शिक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो सामाजिकरण का अर्थ होता है कि समाज के नियमों, रिवाजों, विचारधाराओं और वातावरण के साथ अनुकूल, यानी कि अनुकूलन और समायोजन बिठाना। तो ये सब कहाँ हो रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में, कि समाज में समायोजन करना होता है समाजीकरण का अर्थ। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3। छात्रों में लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से किसका बेहतरीन प्रयोग किया जा सकता है? व्याख्यान विधि, सामाजिक अंतःक्रिया, खोज विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि। मनोवैज्ञानिक है एक जॉन डीवी, उनके अनुसार क्या है कि खोज विधि छात्रों में लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने में सहायक है। खोज विधि होती क्या है कि खोज विधि एक परिस्थितिकी विधि होती है, परिस्थिति के अनुसार एक विधि है जिसमें जो छात्र है वह स्वयं ही किसी विशेष स्थिति में समस्याओं का पता लगाता है। ये जो खोज विधि है वो बहुत ही ज़्यादा अधिगम और समस्या समाधान के कौशलों का विकास करती है। तो कहने का मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर 3 है खोज विधि, वह छात्रों में लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने का एक बेहतरीन प्रयोग है। तो ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा था? जॉन डीवी, ये भी आप नाम याद रखिए। 3 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अभी। शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि इनसे वे सीखने के अलावा निम्न में भी सहायता प्राप्त करेंगे: संघर्षों को महत्व देने में, चिंता में, आक्रामकता में या फिर समाजीकरण में। जैसा कि टीचर बोलते हैं हमेशा बच्चों से कि हमेशा ग्रुप में रह करके ग्रुप वाले काम करो, इससे एक तो वो सीखेंगे साथ में रहकर और दूसरा वो क्या चीज़ सीखेंगे या किस चीज़ में हेल्प मिलेगी। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर 4 सही है, समाजीकरण। यानी कि समाजीकरण का तात्पर्य क्या बताया था अभी आपको, कि समाज के नियम, रिवाज, विचारधारा और वातावरण के साथ अनुकूलन और समायोजन। तो जब वो ग्रुप में रहेंगे तो उनके साथ समायोजन बिठाएंगे। जैसे अगर शिक्षा के संदर्भ में देखें तो समाजीकरण का अर्थ होता है कि आसपास के समाज, उनके नियम, रिवाज, आदर्श और वातावरण के साथ अनुकूलन बिठाना, समायोजन बिठाना। तो इससे क्या होता है कि जो मानवीय अंतःक्रिया होती है उनके माध्यम से विकसित किया जाता है और अधिगमकर्ताओं में अंतःक्रिया को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक गतिविधि सबसे ही बेहतर विधि होती है, यानी कि समाजीकरण में भी सहायता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। समाजीकरण के संदर्भ में स्कूलों के पास एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है जिसमें शामिल है बलपूर्वक अधिगम, सहपाठियों और शिक्षकों का अनुकरण करते हुए सोचना और व्यवहार करना, अंतःक्रिया और सामग्री के माध्यम से स्कूल में प्रस्तुत सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेत देना, छात्रों के परिवारों के माध्यम से समझौता एवं समाजीकरण को रोकना, मूल्यों और दृष्टिकोणों का शिक्षण एवं मूल्यांकन। तो इसमें आप अगर देखेंगे कि समाजीकरण के संदर्भ में स्कूलों के पास एक छिपा हुआ एक सिलेबस होता है जिसमें क्या चीज़ शामिल होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 पर आप विचार कीजिए कि
क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया में जो मानव है वह दूसरों से विभिन्न कौशलों और जीवन शैलियों को गेन करता है, प्राप्त करता है। वे यह सीखते हैं आपस में कि समाज में कैसे व्यवहार किया जाए। मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने भी यही माना था कि सामाजिक अंतःक्रिया एक बालक के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अभी आप ऑप्शन नंबर 2 पर विचार करें कि अंतःक्रिया और सामग्री के माध्यम से स्कूल में प्रस्तुत सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेत देना होती है एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम। तो 5 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा के विकासशील प्रतिमान के अनुसार बालक के समाजीकरण का उद्देश्य है। अगर शिक्षा के विकासशील प्रतिमान के अनुसार बालक का जो समाजीकरण है उसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को व्यापक सामाजिक आदतों और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षा देना, बालक को एक समूह का सक्रिय सदस्य बनाना और सामाजिक कौशलों का विकास करना, बालक को बिना प्रश्न उठाए सामाजिक नियमों की अनुपालना करना सिखाना, या फिर बालकों की सामाजिक पृष्ठभूमि को अनदेखा करते हुए शिक्षित करना। तो क्वेश्चन नंबर 6, समाजीकरण जो होता है वो एक बालक के अधिगम को बढ़ाता है और इसकी सहायता से एक बालक स्वतंत्र रूप से सोचता है पहली बात, और दूसरा क्या है कि एक जो समूह होता है उसका एक महत्वपूर्ण और सक्रिय सदस्य बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव आत्मसम्मान और भावी सफलता का एक आधार तैयार होता है। यानी कि बालकों को एक समूह का सक्रिय सदस्य बनाना और सामाजिक कौशलों का विकास होता है उसके अंदर, यही होता है समाजीकरण का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा चरित्र निर्माण में सहायक है? इच्छा शक्ति, वर्ताव, नैतिकता और व्यवहार। चरित्र निर्माण में कौन सा सहायक है? तो चरित्र क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, चरित्र जो है कि एक व्यक्ति के वर्ताव में उसकी झलक आती है कि उसका चरित्र आखिर है कैसा, कैरेक्टर कैसा है। तो जो व्यक्ति है उसके कार्य व्यवहार और उसके नैतिक मूल्यों को वह कंट्रोल करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आप देखेंगे, बर्ताव, कि निम्न में से कौन सा चरित्र निर्माण में सहायक है, तो वो है बर्ताव। यानी कि बर्ताव अगर सही रहेगा तो किसी व्यक्ति का चरित्र सही रहता है और चरित्र की वजह से ही कार्य व्यवहार और जो नैतिक मूल्य है उन पर कंट्रोल रहता है। 7 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, समाजीकरण निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करने की, आत्मसात और समझौता करने की, एक समाज की संस्कृति की समीक्षा करना सीखना, या दोस्तों के साथ समाजीकरण करना। समाजीकरण का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया था, तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि समाजीकरण इनमें से कौन सी प्रक्रिया है। जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति समाज में रहता है, समाजीकरण मीन्स बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है, मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी समाजीकरण ही है। क्योंकि समाजीकरण अंतःक्रिया दूसरों से मूल्य और विश्वास को अपनाने की एक प्रक्रिया है। अवलोकन और अंतःक्रिया के द्वारा हम समाज के नियमों और मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1, ये चारों में से खाली जगह भरना है, कक्षा में वास्तविक संसार की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते समय अध्यापकों और छात्रों को एक दूसरे के कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। तो किस तरीके की कक्षा में? परंपरागत, रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित और सामाजिक रचनावादी। ऐसी कौन सी वाली कक्षा में वास्तविक संसार की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते समय टीचर और स्टूडेंट को एक दूसरे के कौशल का प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सामाजिक रूप से सामाजिक और रचनावादी कक्षा में, तो ऑप्शन नंबर 4 आप देख रहे हैं ना, सामाजिक और जो रचनावादी कक्षा है उसमें वास्तविक जीवन से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते समय टीचर और छात्रों को एक दूसरे के कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा वह कक्षा होती है जहाँ पर छात्रों को उनके घर और संसार के बारे में जागरूक किया जाता है, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि इसमें दिया हुआ है साफ साफ कि वास्तविक संसार की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर एक दूसरे के कौशलों का प्रयोग। तो ये सब कहाँ मिलता है? वो सब मिलेगा जब सामाजिक रचनावादी कक्षा होगी, क्योंकि सामाजिक रचनावादी कक्षा वह कक्षा होती है जहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको उनके संसार के बारे में और उनके घर यानी कि आवास स्थल के बारे में जागरूक किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे एग्जाम में,
फिर आप उसको तोड़ तोड़ के समझें तो आप उस क्वेश्चन का अगर अर्थ समझ जाएंगे, आखिर पूछा क्या है, उसके बाद आप आंसर बड़े आसानी से बता देंगे। अगला क्वेश्चन है 10, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन, स्किनर, पियाजे और बाइगोत्स्की। तो मनोवैज्ञानिक बाइगोत्स्की ने यह माना था कि बच्चों का चिंतन सामाजिक ज्ञान पर आधारित है और यह संस्कृतियों के साथ अंतःक्रिया पर निर्भर है। तो यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? बाइगोत्स्की ने। सिद्धांत क्या था? कि बच्चों का जो चिंतन है वह सामाजिक ज्ञान पर तो आधारित है और यह संस्कृतियों के साथ अंतःक्रिया पर निर्भर है। यही होता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर ईमानदारी से बताइए सही हुए, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगले वीडियो में अगले चैप्टर के जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तब आप देखें कि आपने कितना इम्प्रूव किया। तैयारी पहले से करिए क्वेश्चंस की। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।